मातृदेवो भव श्री मातृ नमः। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न भिषजो भैषज्यम। दिस इज टेकन फ्रॉम कथात्रयी रिटन बाय पुल्लेल श्रीरामचंद्र। ये स्टोरी क्या है? भिषजः मीन्स भिषजो मीन्स भिषजः ऑफ डॉक्टर, भैषज्यम प्राउडनेस मतलब एक घमंडी वैद्य, घमंडी डॉक्टर इसका अर्थ है, या एक डॉक्टर का घमंड आप कुछ भी समझ लीजिए ऐसे। भिषजो भैषज्य एक डॉक्टर साहब का घमंड, तो उससे क्या कितना नुकसान होता है यह हमारा रचयिता हमको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक जो वेंकटराव नाम का एक डॉक्टर था, वो एक दिन वो हमारा उस मतलब उनका जो हॉस्पिटल वगैरह क्लिनिक उसको बंद करके, वो डॉक्टर था क्लिनिक बंद करके वो जाने वाला था। और वो डॉक्टर ऐसा है, बड़ा पैसे से मतलब है उसको, वो पैसे को सबसे पहले देखता है, उसके बाद आदमी को देखता है। उसके पास फ्री का नाम का कोई दया चैरिटी वो कुछ भी नहीं है उसका, सिर्फ पैसों से मतलब रखता था। और ये इतना पैसे के पीछे इसलिए पड़ा है कि ये बचपन में बहुत गरीब था। इसका फादर था सुब्बैया शास्त्री, ठीक है। इसने इनको मेडिसिन पढ़ाने के लिए इतने पता नहीं कितना चक्की पीसे, कितना उसने कष्ट उठाया, ये सब देख रहा था। इसलिए इसको क्या है, वो जो गरीब से उसको गरीबी में वो बड़ा हुआ, इसलिए इसको गरीब से इसको नफरत हो गया, ठीक है। इसलिए जिसको गरीबी से नफरत हो गया और जहाँ भी ये गरीबी को देखता है तो गरीब को देखता है तो एकदम ये छिट जाता था, तो बिल्कुल उनको अलग ही करता था, वो उनसे भाग जाता था या भागा देता था बस दर साल। तो इसलिए उसको गरीबी से इसको बिल्कुल पटता नहीं। फिर इसने फिर बड़ा हो गया, अच्छा उसने कमा लिया, पढ़ाई में एकदम तेज था, लेकिन उसका एथिक्स नहीं था, उसका सिर्फ पैसे के पीछे पड़ता था। और जिसको पढ़ते वक्त उसका जो मंजूहास करके इसका जो क्लासमेट थी, ठीक है, ये उनके साथ अच्छा तालमेल रखता था। ये इनको सोचा भी था कि इससे शादी करना है, लेकिन इसका पता नहीं कोई कम्युनिकेशन गैप से क्या है, दोनों वो बात हुई नहीं है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। फिर धीरे उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसको सुशीला कर नाम का एक अच्छी एकदम पढ़ी लिखी है अच्छी गुणवंत, जैसे गुणवंती गुणवती ही, उसके साथ इसका मैरिज हो गया। और उनका एक अच्छा लड़का है सुरेश शाह, वो भी जैसे 15-16 साल का बच्चा हो गया उसका हो गया, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, ये कॉलेज से आ रहा था या स्कूल से आ रहा था, तो तब की कहानी है ये। जैसे उस दिन क्या हुआ, ये जो वेंकटराव ने वो क्लिनिक में था और ये कॉलेज में था, और वेंकटराव ने जैसे शाम को 5:30 कुछ हो रहा था, 5-6 बजे या नहीं तो शाम को और 7-8 बजे के टाइम थी, इसने एकदम अपना क्लिनिक क्लोज करके जा रहा था, ठीक है, वो अपना घर जा रहा था। तब क्या है, वहाँ के कुछ ग्रामीण लोग ने, ये तो कुछ टाउन में रहता था, और वहाँ के जो ग्रामीण लोग ने जो दूसरी जो होता है ना सराउंडर अर्बन या रूरल से कुछ ग्रामीण जो भीड़ आए थे उसके पास, कम से कम 10-12 जो थे ग्रामीण वाले विलेजर्स, वो आके बोला, सर एक मिनट सर, आप उधर आइए, एक लड़का है और बिल्कुल एक्सीडेंट होके पड़ा है, वो चल नहीं पा रहा है, अभी वो बिल्कुल मौत से लड़ रहा है वो, आप कृपया आके उसको थोड़ा इलाज कर करके बोला। फिर इसने सुरेश राव वेंकटराव ने उसका तो मैं बोला है ना, वो तो बिल्कुल पैसा ऐसे मतलब है, उसने बोला तुम लोग देखने से बिल्कुल गरीब लग रहे हो, और अभी इस टाइम में आए हो जो अनटाइम है, तो मैं तो अभी तो जाना है, मेरा टाइम हो गया, मैं तो टाइम का पक्का पालन करता हूँ, आप लोगों को तो कोई टाइम ड्यूम से कोई मतलब ही नहीं है, आपको अपना मतलब से मतलब है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मेरा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, मैं अपना घर जा रहा हूँ करके बोला। फिर भी उन लोगों ने बोला, सर कृपया माफ़ कीजिए, वो बच्चा कौन है हमें भी पता नहीं है,
ठीक है, और वो तो बिल्कुल बेहोश पड़ा है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, जो बेहोश में तो वो कैसे बोलेगा। इसलिए आप उनसे थोड़ा रहम कीजिए, रहम दिखाइए आप, तो उनको थोड़ा इलाज कीजिए करके बोला। इसने बोला अरे ऐसे नाटंकी तो हमने बहुत देखा है, वो आपका ही किसी का बच्चा होगा लेकिन क्या है एक्टिंग कर रहा है कि हमारा नहीं करके, जब वो ठीक होने के बाद फिर आप चुपचाप उसको घर ले जाएंगे, और जब फीस मांगू तो बोलेगा ये हमारा कोई इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं करके आप लोग सब एस्केप हो जाओगे। ऐसे मेरे पास कई आते हैं जो कई जाते हैं, तुम लोग इधर मेरे पास बताओ तो भाग जाओ, ऐसे तो कई भिखारी को हमने कई बार देखा है करके उनने उसको बोला। तो उसमें से एक बुड्ढा था, अरे यार इससे क्यों लपट रहे, इसको इसका क्यों मुंह में जा रहा है, क्यों मुंह लगा रहा है इसको, ये तो है साला पैसे का है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको इसके साथ हम तो बातचीत करना भी बेकार है। अभी हम दूसरे बगल में जो है ना थोड़ी देर दूर में है वहाँ पे कैसे भी ले जाएंगे, हमने सोचा नज़दीक होगा करके इलाज करेगा करके सोचा, लेकिन इतना वो तो आग पड़े बिहेव कर रहे, चलो आप आ जाओ हम उसको ले जाएंगे करके फिर उसको उठा के वो बाहर गया और उनको उठा के उधर चला गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर इसने फिर सोचा था ये ऐसे तो कुत्ते करके सोच रहा था, ऐसे कुत्ते तो मेरे पास बहुत आते हैं, ठीक है चलो ठीक है जाने दो करके, अगर एक अगर एक जान गया तो क्या है करके उसने वो बड़ा बिल्कुल केयरलेस ऐसा करके उसने फिर वो अपना काम में पड़े हैं, वो गया अपना फिर वो तैयार होने लगे अपना घर में जाके। तब उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका फ़ोन आई थी, वो किसने किया, मंजू हासरी ने इसको फ़ोन किया। वो उसका मंजू हासरी क्या है वो भी ये दोनों अलग हो गया और इनके जो बच्चे हो गया, इनका शादी हो गया उनका बच्चा हो गया, कई दिनों के बाद फिर ये मंजू हासरी ने इन्हीं का जो टाउन का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये डॉक्टर डॉक्टरानी बन के आ गई है, और इनको पता है और ये सोच रहा है कि आज तक इतनी हम क्लासमेट है, ठीक है, और मैं इससे मैं सीनियर हूँ, मेरे पास ये मेरे तक आज तक मेरे पास आई नहीं है ये करके सोच रहा था, इसका अगर आएगा तो अच्छा है मेरे को अगर बुलाएगा तो करके। तब इसने उसको फ़ोन किया, ये बड़ा खुश हो गया, फिर बोलता है कि आप जल्दी आ जाइए, ये जो पेशेंट है अभी खतरे में है, तो आप जाके उसको देख लीजिए। बोल फिर इसने एकदम जंप मार के चलो आ रहा हूँ करके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया। वहाँ जाके देखा तो फिर यही गांव वाले उधर खड़े हैं, फिर ये सोचा अच्छा तुम लोग इधर आए हो तो इससे बुलाए मेरे को करके इसने बड़ा गुस्सा से ऐसा करके जाके देखा। जाते ही बोला उसमें डॉक्टर ने डॉक्टरानी ने बोला जो मंजू हासरी ने बोला लेट हो गए सर ये तो लड़का है जो मर गए बोला। फिर तब भी इसने चलो ठीक है क्या है इसमें क्या करके उसने बोलने वाला था तो मंजू हासरी ने बोला ऐसा मत बोलो एक बार उसका चेहरा तो देखो शक्ल तो देखो करके बोला। फिर इसने जाके उसके जो कपड़ा उठा के हटा कर देखा तो उसका उन्हीं का लड़का था सुरेश, एकदम वो उधर ही गिर गया एकदम मूर्छित हो गया। फिर बेचारे गांव वाले क्या करेंगे, फिर उसको जो इसको फिर अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में ले लिया, फिर उसको समझाया, फिर जो गया गया लेकिन कम से कम आइंदा से तो आप अच्छा बिहेव करते रहो अच्छा करना सीखो कर कम से कम करके इनको समझा। ये तो बड़ा दुख से दुख का सागर बन गया मित्र। उसके बाद फिर इसने अपना जो ढंग है उसको पूरा बदल दिया, तब से उसने अच्छा सा अच्छा काम करने लगा और अपना जो पूरा सर्विस है पूरा जो गरीब के लिए उसने करना शुरू कर दिया। ये है हमारा जो विषजो वैषज्य, मतलब ये बताना चाहता है कि कभी भी गुस्सा या घमंड कभी नहीं दिखाना किसी पर, और वो भी खास करके जो बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशन में हैं उन लोग जल्दीबाजी से उसको जो अपना अपना फीलिंग्स को इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखना है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल आदमी जैसे वो अपने इमोशंस को भी अगर एकदम वो अगर दिखाता है तो उससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए ये जो बड़े बड़े जो पोस्ट में रहते हैं चाहे डॉक्टर हो या कलेक्टर हो या कोई भी हो, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और आराम से जो समस्या आती है उसको परिष्कार ढूंढना है। बस यही इस स्टोरी का मोरल है, और अगले सेशन में हम दूसरा स्टोरी के साथ आएंगे। जय हिंद।